और बड़ी खबर इस बीच आपको बताते चले कि ईवीएम ईडी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंटरव्यू के दौरान बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ईवीएम का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। रही बात ईडी और सीबीआई की, तो 2014 में ईडी सीबीआई कांग्रेस के पास ही थी। अगर ईडी सीबीआई से चुनाव जीते जाते तो कांग्रेस क्यों हारती? ऑपोजिशन की सारी पार्टीज, राहुल गांधी, कांग्रेस, सब ये कहते हैं कि मोदी जी ये जो है मैच फिक्सिंग कर रहे हैं इस चुनाव पर। उन्होंने कहा है कि ईडी सीबीआई और ईवीएम के बिना आप चुनाव नहीं जीत सकते। क्या कहेंगे आप? ईवीएम का जवाब तो देश की सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है और 2014 में इनके पास ईडी थी, इनके पास सीबीआई थी, तो हार क्यों गए भाई? मेरे होम मिनिस्टर तक को जेल में डाल दिया था, तो हार क्यों गए वो? अगर ईडी सीबीआई से चुनाव जीते जाते तो ईडी सीबीआई का काम तो इतने सालों तक तो कांग्रेस ने किया है, वो जीत जाते हैं जी। और इतना बड़ा देश एक म्यूनसिपैलिटी का चुनाव फिक्स नहीं कर सकते भाई, जरा करके देखो, ये संभव होता है क्या फिक्सिंग? क्या क्या दुनिया को मूर्ख बना? लेकिन दुख इस बात का है कि ऐसी बातें करने वालों को आप मीडिया के लोग उनको पूछने के बजाय हमको पूछते हो। मोदी जी थोड़ा सा, लेकिन इसमें एक बात चौकस है जी, मैं मानता हूं पिछले कई दिनों से इंडिया अलायंस के लोग इतने निराश हो चुके, इतने निराश हो चुके हैं कि अभी उनको बहाने ढूंढना बहुत जरूरी बन गया है, क्योंकि पराजय के बाद भी लोगों के सामने जाने के लिए उनको तरी, इसलिए मैं समझता हूँ शायद वो अभी से ये सारे तर्क ढूंढ रहे हैं कि पराजय के तर्क क्या होंगे, शायद उसी की उनकी इंटरनल एक्सरसाइज है ये कि आज उत्तर प्रदेश की और देश का हाल ऐसा है कि बड़े बड़े नेता लोकसभा के मैदान से भाग रहे हैं, राज्यसभा का रास्ता खोज रहे हैं। और हुआ वैसा ही है, बड़े लोग ने चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं है जी, लेकिन हम एक जिम्मेवारी के साथ काम चल रहे हैं, सबको साथ लेकर के चल रहे हैं। और मुझे पक्का विश्वास है कि अब शायद कुछ बचेगा नहीं उनका, कुछ नहीं बचेगा। 2014 से बेहतर परफॉर्मेंस होगी उनका, कुछ बचेगा ही नहीं जी। जी एक सवाल और, आप इसका पार्ट जवाब दे चुके हैं इसलिए मैं उसको संक्षेप में पूछूंगा। ऑपोजिशन कांग्रेस सब आपके पीछे कहता है कि सरकार जो है ईडी सीबीआई इंटेलिजेंस एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है, आपने कहा है कि ईडी इंडिपेंडेंट है। सिर्फ एक सवाल यह है कि ऐसा देखा गया है कि 25 नेता का एक एनालिसिस एक न्यूज़पेपर ने की थी कि 25 नेता जब ऑपोजिशन पार्टी से बीजेपी की तरफ आ गए तो उसमें से 23 लोगों के ऊपर से जो है इस तरह के केसेस को या तो ठंडे बस्ते में डाल दिया गया या ड्रॉप कर दिया गया। इस बारे में पहली बात है, एक भी केस ड्रॉप नहीं किया गया है, जो अदालत कहेगी वही होगा, हम कोई निर्णय नहीं लेंगे, स्वतंत्र है। दूसरी बात है, पॉलिटिकल लीडरशिप के केस कितने हैं भाई? ओनली 3%, 97% अच्छे अच्छे ब्यूरोक्रेट जेल में है। आखिर के इन संस्थाओं का जन्म क्या हुआ है भाई? अगर इन संस्थाओं का जन्म इसी काम के लिए हुआ तो काम नहीं करेगी क्या? और अदालत इतनी बड़ी है जी, किसी को जमानत नहीं दे रही है अदालत, तो अदालत देखती होगी ना भाई। और भ्रष्टाचार के मामले में हम कम से कम उसको लाइट न ले जी, सचमुच में देश में चर्चा होनी चाहिए कि पहला एक जमाना ऐसा था आपको आरोप लगता था ना तो भी हल जाते थे, आज गुना सिद्ध हो चुका है, सजा हो चुकी है, फिर भी आप हाथ ऊंचा कर करके फोटो निकलवा रहे हो, आप भ्रष्टाचार का महिमा मंडन कर रहे हो। इस देश में ये आलोचना का विषय होना चाहिए, भ्रष्टाचार को न्यू नॉर्मल के रूप में ट्रीट नहीं करना चाहिए, वरना इस देश का बहुत नुकसान होगा जी। ये सवाल बीजेपी और अदर्स कमाना नहीं है, देश के लिए ठीक नहीं है कि आप इसको न्यू नॉर्मल बना दे। और मैं देख रहा हूँ धीरे 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 ऐसा वातावरण बनाया जा रहा है, हाँ ठीक है यार वो तो चलता रहता है, ये यही तो देश, गरीब आदमी मर रहा है जी, हमने कैसे भी करके इससे देश को मुक्त करना चाहिए।
रिजॉल्व होना चाहिए कंट्री का, वो नहीं हो रहा है जी। और मैं तो मानता हूँ कि भाई देखिए, मैं जो कोशिश कर रहा हूँ, एक सिस्टम को पॉलिसी ड्रिवन बनाओ, टेक्नोलॉजी को भरपूर लाओ। आज हमने, पहले एक प्रधानमंत्री कहते थे एक रुपया जाता है 15 पैसे पहुँचता है जी, आज मैं कहता हूँ 1 रुपया जाता है पूरे 100 पैसे पहुँचते हैं, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। क्यों? सिस्टम को सुधारो भाई। हमने जेम पोर्टल बनाया, करप्शन को कम करने की दिशा में हमारा बहुत बड़ा कदम है जी। दूसरा, समाज को भी जगाओ, समाज को भी आदत डालो कि भी भ्रष्टाचार बुरा है, किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार से मुक्त रहना चाहिए। और देश में वो वातावरण बन रहा है, पॉलिटिकल लोगों को डर नहीं है। और मैं मानता हूं उसमें कुछ मात्रा में ये जो सिर्फ हमारा विरोध है इसलिए उनका समर्थन कर देना, ये शोभा नहीं देता है भाई।